हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है पैरोल। कि पैरोल होती क्या है, पैरोल कितने प्रकार की होती है, किन कंडीशन में पैरोल दी जाती है, पैरोल एंड बेल में क्या डिफरेंस है, पैरोल एंड प्रोबेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरोल होती क्या है। पैरोल क्या होती है, जब कभी किसी भी एक्यूट के द्वारा किसी खास रीजन के कारण या किसी खास सर्कमस्टांसिस में एक्यूट के द्वारा उसे जेल से बाहर निकालने के लिए जो आवेदन दिया जाता है या उसे जेल से बाहर आने के लिए जो कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाते हैं उसे हम पैरोल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हिट लिस्ट जजमेंट था, इसमें हीरा लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लंबी अवधि के कैदी हैं उन्हें अस्थायी रूप से पैरोल पर छोड़ा जाना चाहिए। लंबी अवधि मतलब कोई उम्र कैद हो गई हो किसी एक्यूट को, या उसको 10 साल की कन्विक्शन हो गई हो, ऐसे कैदी को लंबी अवधि के कैदी कहा जाता है। पैरोल दो तरीके की होती हैं, मतलब पैरोल दो प्रकार के होते हैं, कस्टडी पैरोल एंड रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल 6 घंटे के लिए मिलती है, और कस्टडी पैरोल में पुलिस उस बंदे के साथ हमेशा रहेगी जब तक उसे कस्टडी पैरोल दी गई है, ताकि वो फरार ना हो जाए। और जो कस्टडी पैरोल है वो खास सर्कमस्टांसिस में दी जाती है, जैसे कि उसके रिलेटिव्स की डेथ हो गई है, या उसके रिलेटिव्स की शादी है, या उसके रिलेटिव्स की कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, उससे मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है। कस्टडी पैरोल के लिए सबसे पहले सुपरिटेंडेंट को आवेदन दिया जाता है। अगर सुपरिटेंडेंट उस एक्यूट के आवेदन को रिजेक्ट कर देता है तो एक्यूट कोर्ट के द्वारा भी कस्टडी पैरोल ले सकता है। अब बात करें रेगुलर पैरोल की। रेगुलर पैरोल एक्यूट को तब दी जाती है जब उसको हाई कोर्ट के द्वारा सजा सुना दी गई हो। और एक्यूट जो कोई आवेदन कब कर सकता है रेगुलर पैरोल के लिए, जब उसने कम से कम 1 साल की क्या है कन्विक्शन काट ली हो, और वो जो रेगुलर पैरोल है वो गुड बिहेवियर के लिए दी जाती है, या वो जो बंदा है वो पहले केस पेंडिंग था जब बेल पे गया था और उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है रेगुलर पैरोल दी जा सकती है उसका आचरण देखते हुए। पैरोल कब नहीं दी जाएगी, पैरोल तब नहीं दी जाएगी जब एक्यूट का आचरण अच्छा नहीं है, राइट। अब बात करें इसमें केस की, संजय दत्त वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है इसमें। इसमें क्या था कि जो संजय दत्त है उसको आर्म्स एक्ट में सजा हो गई और उसे बार बार पैरोल पर छोड़ा गया। किस रीजन के कारण, कभी तो जो संजय दत्त की वाइफ है वो बीमार हो जाती थी, या संजय दत्त की वाइफ की डिलीवरी के टाइम भी उसे पैरोल पर छोड़ा गया। अब बात करें बेल एंड पैरोल के डिफरेंस की। बेल क्या होती है, बेल कोर्ट केस के पेंडिंग होने के टाइम दी जाती है, और बेल जब दी जाती है तो एक्यूट से सिक्योरिटी फर्नीश की जाती है। लेकिन पैरोल क्या है, पैरोल तब दी जाती है जब एक्यूट है उसकी हाई कोर्ट से कन्विक्शन हो गई हो। और पैरोल किस आधार पर दी जाती है, या तो उसके घर पे कोई शादी हो, या उसका कोई रिलेटिव गंभीर बीमारी से बीमार हो, या कोई उसके रिलेटिव्स की डेथ हो गई हो, या उसके रिलेटिव्स की शादी हो। और जो पैरोल है वो किन किन कंडीशन में दी जाएगी, मतलब जो पैरोल दी गई बंदे को उसके लिए क्या कंडीशन रखी जाएंगी जिस बंदे को पैरोल दी जाएगी। फर्स्ट, कि वो व्यक्ति नशा नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हथियार नहीं रखेगा, अपराधियों को पत्र नहीं लिखेगा, देर रात तक बाहर नहीं घूमेगा, नाच गाना नहीं करेगा, बिना इजाज़त के शादी नहीं करेगा, कानून का पालन करेगा। और जो अब बात करें पैरोल एंड प्रोबेशन की। पैरोल क्या होती है, पैरोल सजा का कुछ भाग माफ होता है, और प्रोबेशन क्या होती है, प्रोबेशन पूरी सजा माफ होती है। लेकिन कब, दो प्रोबेशन में क्या है, दो कंडीशन रखी गई हैं, एक तो गुड बिहेवियर पे छोड़ देना, या दूसरा क्या, उसको चेतावनी देकर छोड़ देना कि तुम दोबारा ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं करोगे। प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन 21 वर्ष से कम आयु के आदमी को दी जाती है,
लेकिन 379 में नहीं सॉरी 491 में चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा, राइट। लेकिन उम्र कैद और देश छोड़ने वाले एक्यूज को प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात प्रोबेशन की इम्पोर्टेंट, पहली बार अपराध करने वाले आदमी को प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन कब, जब उसने जो क्राइम है वो ऐसा किया हो जिसकी पुनिशमेंट 2 साल से कम हो, उस आदमी को प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। पैरोल कहती है, पैरोल का मतलब सिंपल ये है कि सज़ा का कुछ भाग माफ होता है पैरोल में। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि जो पैरोल है वो हर साल सप्ताह में 2 बार मिलनी चाहिए हर एक्यूज को, राइट। और जो पैरोल है वो 2 टाइप्स की होती है, कस्टडी एंड रेगुलर। और जो पैरोल है, अगर बात करें कस्टडी पैरोल की एंड रेगुलर पैरोल की डिफरेंस की, रेगुलर पैरोल क्या होती है, वो गुड आचरण पे दी जाती है, मतलब गुड बिहेवियर पे दी जाती है। कस्टडियल पैरोल ओनली 6 आवर के लिए दी जाती है। और जो रेगुलर पैरोल है उसमें पुलिस उसके साथ नहीं रहेगी एक्यूज के साथ, लेकिन कस्टडी पैरोल में क्या है, पुलिस साथ में रहेगी। और जो रेगुलर पैरोल है वो साल में 1 बार दी जा सकती है, कस्टडियल पैरोल ओनली सर्कमस्टांसिस के आधार पर दी जाती है। और जो रेगुलर पैरोल है वो उस बंदे को भी दी जा सकती है जो कन्विक्टेड हो चुका है, लेकिन जब उसे केस में बेल मिली थी उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, उस आधार पे भी रेगुलर पैरोल दी जा सकती है। कस्टडियल पैरोल को क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रिजेक्ट कर सकता है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर पैरोल पे अच्छा समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल के लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।